बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना 70-412 का लेक्चर नंबर 7। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइट एंड सर्विसेज के बारे में, कि एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज होती क्या और उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2012 के एनवायरनमेंट में एप्लीकेशन वर्क कैसे करती है एक्टिव डायरेक्टरी की, और साइट एंड सर्विसेज जो होती हैं उनको ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जा सकता है कि नेटवर्क ट्रैफिक कम से कम रहे, एप्लीकेशन टाइम उनके कैसे चेंज किए जा सकते हैं, हम इसे कॉन्फ़िगर भी करेंगे और हम मॉनिटर करेंगे अपने एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगरेशन के बाद। ठीक है, अच्छा टोपोलॉजीज़ की हम बात करें तो दो तरह की टोपोलॉजीज़ होती हैं हमेशा एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर की। अगर स्पेसिफिक बात कर लें तो आप एक्टिव डायरेक्टरी को ले लें। ठीक है, टू टोपोलॉजीज आर फाउंड इन सक्सेसफुली नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क में। एक होती है फिजिकल टोपोलॉजी, जिसमें आपके स्विच सिस्टम, फिजिकल सिस्टम, ये वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क विच इंक्लूड नेटवर्क टोपोलॉजीज, हार्डवेयर प्लेसमेंट, आईपी एड्रेस एलोकेशन, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, फिर आती है आपके दूसरी लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी जो आपकी वो प्रेजेंट करती है आपकी सिक्योरिटी बाउंड्री को, कि आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी बाउंड्रीज क्या है। ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप की बात करें, अगर हम उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो आपकी डोमेन है, डोमेन कंट्रोलर है आपका, जो डोमेन आपकी डिफाइन करती है सिक्योरिटी को, कि कौन सी चीज़ कहाँ से एक्सेस होगी, कहाँ से नहीं एक्सेस होगी, कौन सी पॉलिसीज लगेंगी, ये सारी आपकी एक लॉजिकल टोपोलॉजी है। ठीक है, विथ साइट एंड सॉरी ये आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी है, जबकि जो साइट होती है और जो सबनेट होता है, जैसे एक एक ऑफिस का सबनेट 10.10.10 है, दूसरे का 10.10.20 है, तीसरे का 20. something है, फिर 172 है, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपकी फिजिकल टोपोलॉजी को बताती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं सबसे पहले कि एक्टिव डायरेक्टरी वर्क कैसे करती है। बता चुका हूँ लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि रेप्लिकेशन इसकी काम कैसे करती है और साइट क्या होती है। अ साइट कैन बी सिंपली एज डिफाइन एज अ फिजिकल लोकेशन ऑफ और नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक साइट ए, साइट बी है, या आप लाहौर का ऑफिस कह लें आपने, और ये आप कराची का ऑफिस कह लें, और आपकी इस सारे में डोमेन ए की है, माई लैब डॉट लोकल। ठीक है, डिफरेंट सिटीज में है, लोग यहाँ से बैठ के यहाँ लॉग इन करते हैं। एक यूज़र कल को ये कराची से आया, लाहौर आ गया, और लाहौर आके उसने लॉग इन किया तो उसको उसी यूज़र नेम, उसी पासवर्ड, उसी पॉलिसीज, सब चीज़ें वही अप्लाई होनी चाहिए जो उसको कराची के ऑफिस में मिलती थी। तो इस केस के लिए हम साइट एंड रेप्लीकेशन को कन्फिगर करते हैं अगर हम सिंगल इन्वायरमेंट में रहना चाहें। अगर हम मल्टी डोमेन के इन्वायरमेंट में चले जाते हैं तो वहाँ हमारी ट्रस्ट आ जाता है, कि जो साइट एंड ट्रस्ट होता है वो कैसे बिल्ड करते हैं। ठीक है, डोमेन ट्रस्ट, तो वो हमारी नेक्स्ट जो होगा लेक्चर उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें एक्टिव डायरेक्टरी के हवाले से, तो एक होती है इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। इंट्रा साइट रेप्लिकेशन क्या होती है, कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ 7 डोमेन कंट्रोलर हैं। ठीक है, इन 7 डोमेन कंट्रोलर्स के ऊपर आपने डिफरेंट यूजर्स बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये सारे आपस में रेप्लिकेट हो रहे हैं, जैसा कि हम देख चुके हैं एडीसी और डीसी के मामले में, कि अगर एक यूज़र हम एक डोमेन कंट्रोलर पे बनाते हैं तो वही डोमेन कंट्रोलर दूसरे पे भी वो यूज़र रेप्लिकेट हुआ होता है, और उसके पासवर्ड शासवर्ड जो भी रेप्लिकेशन है, ग्रुप पॉलिसीज होती हैं, वो सब उसकी रेप्लिकेट दूसरे पे हो जाती हैं। ठीक है, तो इंट्रा साइट रेप्लिकेशन ये होगी, अगर आप एक ही ऑफिस में बैठे हुए हैं, लाहौर के ऑफिस में आपने 5-6 सर्वर डोमेन कंट्रोलर लगाए हुए, तो उनके दरमियान जो रेप्लीकेशन होगी उसको हम इंट्रा साइट कहेंगे। ठीक है, कि पासवर्ड उसका रेप्लीकेट हो रहा है कि नहीं, एक सर्वर से दूसरे दूसरे सर्वर पर यूजर रेप्लीकेट हो रहे हैं कि नहीं, ग्रुप्स रेप्लीकेट हो रहे हैं कि नहीं, ग्रुप पॉलिसीज रेप्लीकेट हो रही कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ये सारे डोमेन कंट्रोलर्स आपस में इस चीज़ को हम एक श्योर करते हैं कि ये रेप्लीकेट हो। ठीक है, रेप्लीकेट क्या होते हैं, कौन से स्टेप्स हैं जिनकी वजह से ये इनिशिएट करके रेप्लीकेट करते हैं, उसको हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले इंट्रा साइट के बाद एक होती है इंटर साइट रेप्लिकेशन, जो कि हम आज के लेक्चर में करेंगे। इंटर साइट रेप्लिकेशन क्या होती है, कि आपके पास दो फिजिकल लोकेशन है, जैसे लाहौर है और एक ऑफिस है, लाहौर के ऑफिस में आपके पास 8 डोमेन कंट्रोलर है, कराची के ऑफिस में आपके पास 3 डोमेन कंट्रोलर है। अब आप चाहते हैं कि जो चीज़ें मैं यहाँ करूँ वो इन सब पे तो रेप्लिकेट हों, लेकिन उसके अलावा वो इन तीनों पे भी रेप्लिकेट हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आप इस साइट और ये साइट, इन दोनों साइट के दरमियान एक लिंक स्टैब्लिश करेंगे। वो आपका वीपीएन हो सकता है, आपका डेडिकेटेड लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक लिंक स्टैब्लिश करेंगे। उस लिंक के जरिए ये डोमेन कंट्रोलर इस एक डोमेन कंट्रोलर से, इनका एक डोमेन कंट्रोलर और इसका एक डोमेन कंट्रोलर आपस में रेप्लीकेट होंगे। जब भी कोई चीज़ आएगी, या जब भी कोई क्या कहते हैं उसे यूज़र बनेगा, पासवर्ड बनेगा, तो ये आपस में रेप्लिकेट होंगे, और फिर इस डोमेन कंट्रोलर की ये जिम्मेदारी है कि ये फिर इन दोनों डोमेन कंट्रोलर्स को आगे रेप्लिकेट
करें। इसी तरह वापसी पे अगर हम बात करें तो अगर ये डोमेन कोड कुछ चीज रेप्लिकेट करनी है इस ऑफिस में, तो ये भी इसी तरह किसी एक को पकड़ेगा, चाहे वो DC 4 हो 5 हो, जो उसको अवेलेबल मिलेगा उसको पकड़ेगा और उसके ऊपर वो चीज रेप्लिकेट कर देगा। और फिर ये उस सर्वर की जिम्मेदारी होगी कि बाकी तमाम सर्वर्स पर उस चीज को रेप्लिकेट करे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कि रेप्लिकेशन होती क्या है। सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है एक्टिव डायरेक्टरी साइट एंड सर्विसेज में रेप्लिकेशन होने के लिए, वो है कनेक्शन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज द एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट अ रेप्लिकेशन कनेक्शन फ्रॉम अ सोर्स डोमेन कंट्रोलर टू अ डेस्टिनेशन डोमेन कंट्रोलर। कनेक्शन ऑब्जेक्ट वो आप कह सकते हैं चीज जो ये इनिशिएट करती है कि सोर्स मेरा कौन सा डेस्टिनेशन कौन सी है। मतलब DC 7 ने चूज करता है कि मैंने DC 3 पे रेप्लिकेट करना है, तो ये जो इनके दरमियान कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा इसको हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट इसका कहेंगे। अ डोमेन कंट्रोलर इज अ मेंबर ऑफ अ सिंगल साइट एंड रिप्रेजेंट इन द साइट बाय अ सर्वर ऑब्जेक्ट इन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ई सर्वर ऑब्जेक्ट एज अ चाइल्ड एंटिटी सेटिंग, तो हम आगे जाके देखेंगे एंटिटी सेटिंग क्या होती है, दैट रिप्रेजेंट द रेप्लिकेशन डोमेन कंट्रोलर इन अ साइट। तो एंटिटी सेटिंग के जरिए ये एस्टेब्लिश करता है कि उसको किस सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है अपनी रेप्लिकेशन करने के लिए। ठीक है, कनेक्शन ऑब्जेक्ट के बाद आता है आपका KCC। द KCC इज अ बिल्ड इन प्रोसेस दैट रन ऑन ऑल डोमेन कंट्रोलर, तमाम डोमेन कंट्रोलर पे रन हो रहा होता है, एंड जनरेट रेप्लिकेशन टोपोलॉजी। रेप्लिकेशन की टोपोलॉजी पूरे फॉरेस्ट में KCC डिफाइन करता है कि किस सर्वर को किस टाइम किस सर्वर से रेप्लिकेट कराना है। द KCC क्रिएट सेपरेट रेप्लिकेशन टोपोलॉजी डिपेंड ऑन वट एवर रेप्लिकेशन इज अकरिंग विद इन अ साइट और बिटवीन द साइट। ये डिसाइड करता है कि डिपेंड के रेप्लिकेशन हो क्या रही है और रेप्लिकेशन कब होनी है और रेप्लिकेशन क्या हो रही है। फिर ये देखता है कि इंटरसाइट हो रही है तो उस तरह उसको डिसीजन लेता है, और अगर इंटरसाइट हो रही है तो ये फिर उस तरह उसको इनिशिएट करता है और उस तरह का ये स्टेप लेता है। ठीक है, इसके बाद होता है फेल ओवर फंक्शनैलिटी। साइट्स इंश्योर दैट रेप्लिकेशन इज राउटेड अराउंड नेटवर्क फेलियर एंड ऑफलाइन डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, अगर आपका कोई डोमेन कंट्रोलर फेल भी है, डाउन भी है, नेटवर्क फेल है, तो ये जो फेल ओवर फंक्शनैलिटी ये मेक श्योर करती है कि जो रेप्लिकेशन पेंडिंग है उसको उसने राउट करवाना है डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर। द KCC रन एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। KCC जो है वो आपका किसी स्पेसिफिक इंटरवल में चलता है जो सिर्फ एडजस्ट करता है टोपोलॉजी को कि चेंज दैट अकर के क्या चेंज हो रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी में। सच एज व्हेन अ न्यू डोमेन कंट्रोलर आर एडेड इन अ न्यू साइट, एक साइट में आपने नया डोमेन कंट्रोलर ऐड किया है, तो जो KCC है वो उसको रिव्यू करेगा, उसका रेप्लिकेशन स्टेटस उसके एग्जिस्टिंग कनेक्शन को बनाएगा, और एनी कनेक्शन जो काम नहीं कर रहा, ठीक है, उस चीज को वो क्या करे नॉमिनेट करेगा और उस चीज पे वर्क करेगा। द KCC ऑटोमेटिक बिल्ड टेम्परेरी। अगर एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कनेक्शन नहीं बन रहा तो वो दूसरे एक सर्वर से तीसरे सर्वर पर अपना कनेक्शन बना लेगा और वहां उसको रेप्लीकेट कर देगा। तो KCC ये डिसाइड, तो फेल ओवर फंक्शनैलिटी क्या करती है, बैकएंड पे KCC ही होता है इसके, वो चूज करता है कि कौन सा सर्वर फेल है, कौन सा डाउन है, मैंने किस वक्त किसको रेप्लिकेट करना है। अच्छा, अगर ये सर्वर डाउन हो गया तो मैंने किसको पकड़ना है और उसको कहां से देखना है, ये सारा आपके बैकएंड पे ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, आपने इस चीज के लिए कुछ डिफाइन नहीं करना होता। सबनेट की बात करें, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी साइट में बात करते हैं तो सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है सबनेट। आपको सबनेट डिफाइन करना पड़ता है कि मेरे लाहौर वाले डोमेन कंट्रोलर्स का सबनेट क्या है और मेरे कराची वाले डोमेन कंट्रोलर का सबनेट क्या है। इन दोनों के सबनेट डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट होंगे तभी वो डिटरमाइन कर पाएगा कि भाई मेरी जो रेप्लिकेशन हो रही है वो इंटरसाइट हो रही है या इंट्रासाइट हो रही है। अगर आपने सबनेट ही सेम रख दिया तो वो उसको कंसिडर करेगा इंटरसाइट इंट्रासाइट और फिर उसको उस तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप उसके जो क्या कहते हैं उसे सबनेट को डिफरेंट रखेंगे तो फिर उसके बाद वो डिसाइड करेगा, अच्छा ये इंटरसाइट एप्लीकेशन है तो मुझे इसके किस तरह से बिहेव करना और किस तरह मुझे इसको लेके चलना है। और ये सबनेट ही डिफाइन करता है आपके एक्टिव डायरेक्टरी साइट में कि कितनी साइट्स आपके पास कॉन्फिगर है। जब हम इस जब की बात कर लेते तो फिर आती है हमारे पास साइट, प्योर साइट। साइट आर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट वन और मोर TCP/IP सबनेट। TCP/IP साइट TCP/IP सबनेट को रिप्रेजेंट करती है, किसी डोमेन कंट्रोलर को सबनेट रिप्रेजेंट नहीं करती। विद हाईली रिलायबल फास्ट नेटवर्क कनेक्शन साइट इनफॉर्म अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू कॉन्फिगर एक्टिव डायरेक्टरी रेप्लिकेशन टू ऑप्टिमाइज यूजर द फिजिकल नेटवर्क। वो मैं बताऊंगा आपको कि हम स्केड्यूल कैसे चेंज कर सकते हैं ऑप्टिमाइज करने के लिए। साइट ऑब्जेक्ट्स आर एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ सबनेट, ईच डोमेन कंट्रोलर इन अ फॉरेस्ट इज एसोसिएटेड विद एक्टिव डायरेक्टरी साइट अकॉर्डिंग टू साइट ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब साइट जो होती है वो आपकी एक
सबनेट कह सकते हैं आप उसको, उस सबनेट के अंदर जितने डोमेन कंट्रोलर होंगे उन डोमेन कंट्रोलर को के लिए दूसरी साइट के सबनेट के डोमेन कंट्रोलर को किस केसीसी जो है वो इनिशिएट करेगा। अच्छा मेरे पास साइट ऐड हुई, डोमेन कंट्रोलर ऐड हुआ है, फिर उसका जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट बनेगा वो हम देख चुके हैं। अगर उनमें से कोई फेल होगा तो फेल ओवर फंक्शनैलिटी है वो आपकी काम करेगी, ठीक है। इस सब के बाद आता है आपका साइट लिंक। साइट लिंक इसलिए जरूरी है कि आपने दो साइट्स को, फॉर एग्जांपल आपकी एक ये साइट है और एक ये साइट है, इन दोनों को आपने मिलाने के लिए कोई ना कोई फिजिकल इंटरवेंशन लाजमी है, चाहे वो आपका वीपीएन आपने स्टेब्लिश किया हो, डेडिकेटेड लाइन ली हो, केबल बिछाई हो, वो आपका साइट लिंक होगा। साइट लिंक आर एक्टिव डायरेक्टरी ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट लॉजिकल पाथ। ये पाथ डिसाइड करता है ना कि आपके कनेक्शन कहाँ से जाएंगे और किस तरह जाएंगे। व्हेन टू साइट्स आर कनेक्टेड विद द साइट लिंक, देयर एप्लीकेशन सिस्टम ऑटोमेटिक क्रिएट कनेक्शन बिटवीन स्पेसिफिक डोमेन कंट्रोलर इन ईच साइट दैट आर कॉल्ड द ब्रिज हेड सर्वर। ये खुद ही डिसाइड करता है कि किस सर्वर ने रेप्लीकेट करना है दूसरी साइट पे, और जो सर्वर जिसके जो फ्री होता है या जिसके रिसोर्स अवेलेबल होते हैं वो सिलेक्ट हो जाता है फॉर रेप्लिकेशन दूसरी साइट पे, और उसको हम ब्रिज हेड सर्वर भी कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन की बजाय हम सीधा साइट में चलते हैं अपनी लैब में, क्योंकि लैब में जब हम इसको कॉन्फिगर करेंगे तो मेरे ख्याल में आप लोगों को सबसे बेहतरीन आइडिया तब होगा कि एक्टिव डायरेक्टरी साइट कैसे बनती है। कॉन्फिगर करने के लिए हम पहले एक डोमेन कंट्रोलर जो है हमारे पास एक मौजूद है डीसी, एक और डोमेन कंट्रोलर एडीसी हम बनाएंगे एग्जिस्टिंग, उसके अंदर उसका फिर हम जो नेटवर्क कार्ड है वो अलग कर देंगे, दोनों के नेटवर्क कार्ड थोड़े अलग कर देंगे, फिर उसके दरमियान हम एक लिंक स्टैब्लिश करेंगे। मेरे पास फिजिकल लिंक तो नहीं है तो मैं लॉजिकल लिंक ही इसका स्टैब्लिश करूंगा। तो उसके बाद जब आपका लॉजिकल लिंक स्टैब्लिश हो जाएगा उसके बाद हम साइट्स को कॉन्फिगर कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज लैब में। ओके गाइज, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, और डोमेन कंट्रोलर पे मैंने दो नेटवर्क कार्ड अटैच कर दिए हैं। पहला जो मेरा 10.10.5 है जो कि मेरा ओरिजिनल डोमेन कंट्रोलर का आईपी है, दूसरा मैंने दूसरे सर्वर से कनेक्ट करने के लिए 20.20.20 इसको आईपी दिया है, और अपने दूसरे सर्वर पे मैंने जो नेटवर्क कार्ड लगाया है वो भी 20 का है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने डीसी से 20 के लिंक से कनेक्टेड हूँ। तो इसका मतलब मैं 10 को पिंग नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर माई लैब डॉट लोकल करूंगा तो देखें आप मुझे 20 से पिंग आ रहा है। अच्छा, नेटवर्क स्टैब्लिश करने के बाद जब आपके पास नेटवर्क आ जाए तो उसके बाद सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है न्यूली अपने सर्वर पे। ये काम आप पहले से जो इंस्टॉल सर्वर है उसे भी कर सकते हैं अगर आपने एडीसी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टिव डोमेन सर्विसेज वही प्रैक्टिस है हमारी जो हमने पहले की है इसके ऊपर, याद होगा आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे एज अ एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और उसके बाद हम इसको एक डिफरेंट साइट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ओके गाइस, ये हमारा रोल इंस्टॉल हो गया है, अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। और प्रमोट दिस सर्वर फॉर अ डोमेन कंट्रोलर और ऐड अ न्यू डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। ओके, एग्जिस्टिंग डोमेन डोमेन में ऐड कर रहा हूँ मैं, सॉरी, माई लैब डॉट लोकल। क्रेडेंशियल्स जो मुझे देने हैं वो देने हैं माई लैब एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट करता हूँ। ओके, साइट आप यहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम इसको शुरू से कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसलिए मैं इसको ऐसे जाने देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा। ओके, रिट्रीव कर रहा है इन्फॉर्मेशन, रेप्लिकेट इसे कहाँ से करना है। तो हमारे केस में मैं ऐसे कहूँगा कि एडीसी से ही अपना जो है वो रेप्लिकेट कर ले, जैसे मेरा एडीसी है सर्वर, ठीक है, वो मेरा ये है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि एडीसी से रेप्लिकेट करे फर्स्ट टाइम, और पाथ वही रखे। रिव्यू करेंगे सेटिंग को, नेक्स्ट करेंगे।
और इसको यहाँ से इंस्टॉल कर देंगे। ओके, सक्सेस आ चुकी है, इसको मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। इंस्टॉल के बाद ये रिस्टार्ट होगा, वापस आएगा तो हम इसकी साइट को कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, ये जो हमारा डोमेन कंट्रोलर है ये वापस आ चुका है इंस्टॉल होने के बाद। तो एक दफ़ा इसको भी लॉगिन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम अपनी जो साइट है वो कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मेन डोमेन कंट्रोलर पे, ताकि हम किसी भी कन्फ्यूजन से बच सकें। ठीक है, तब तक ये लोड हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, हम चलते हैं अपने मेन डोमेन कंट्रोलर पे। मेन डोमेन कंट्रोलर पे आप जाएंगे, साइट एंड सर्विसेज लिखेंगे अपने इस तरह सर्च में, ठीक है, और यहाँ से आप इसको ऑन कर लेंगे। तो इस साइट सर्विसेज में आप साइट्स को एक्सपेंड करें, ये आपकी डिफॉल्ट जो फर्स्ट साइट है वो है। और इसके अंदर देखिए आपके पास तीन सर्वर हैं, एडीसी साइट, एडीसी जो अभी बनाया है, और ये मेरा ओल्ड सर्वर है, ठीक है, जो कि अब नहीं है। तो सबनेट में देखिए मेरे पास कोई सबनेट नहीं है, इंट्रा साइट में मेरे पास अभी आईपी कोई चीज़, आईपी में ये डिफ़ॉल्ट आईपी स्कीम होती है इसकी, डिफ़ॉल्ट आईपी साइट लिंक है, ये है कि जो रेप्लिकेशन होगी वो किस इंटरवल से होगी, रेप्लिकेशन एवरी 180 मिनट्स, और किस तरह इसका स्केड्यूल होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने बनानी है एक न्यू साइट। साइट बनाने लगे तो राइट क्लिक करें, न्यू साइट बनाएं, साइट का नाम दें जी साइट, मुझे पहले देखने दें मैंने क्या रखा था, साइट टू, तो साइट टू मैं दे देता हूँ इसको नाम, और डिफॉल्ट वाले को सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। साइट टू हैज बीन क्रिएटेड टू फिनिश द कॉन्फ़िगरेशन, शो द साइट ए लिंक द अदर साइट, ब्ला ब्ला ब्ला, वो हम अभी देख लेते हैं। साइट टू क्रिएट कर लिया है, सर्वर इसके अंदर कोई नहीं है अभी। तो अगर आप साइट की राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं तो भी देखें आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ आप लोकेशन लिख सकते हैं कि मेरी जो साइट टू है वो कहाँ है, के एच आई लिख दें, ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, ये तो आप खुद भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ऐड करने हैं सबनेट। सबनेट के लिए ऐड करने के लिए, क्योंकि सबनेट ऐड होगा तो ही डिफाइन हो पाएगा कि कौन सी साइट किस सबनेट के साथ लिंक्ड है। राइट क्लिक करें, न्यू सबनेट करें, अभी तक मेरे पास कोई सबनेट नहीं था, इसका मतलब मेरे पास कोई साइट नहीं थी, डिफॉल्ट साइट थी, ठीक है। प्रीफिक्स मेरे पास जो मेरा सबनेट है वो है जी 10.10.10.0, ठीक है, और इसका जो बनता है सबनेट मेरे ख्याल में 24, ठीक है, 24 के बनता है आई गेस, लेट मी कंफर्म, सॉरी ये मेरा 8 का सबनेट बनता है। तो अगर इसको मिनिमाइज करूं और यहाँ 8 लिख दूं, ठीक है, और साइट नहीं 20 का मतलब लिखना है 20.20.20.0/8, ठीक है, ये मेरा साइट बी के साथ, जो साइट टू के साथ मेरा अटैच है, लेकिन 24 के साथ मेरा ये 24 ही है, साइट टू के साथ मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए मेरे पास इसके अंदर एक एंटिटी सेटिंग इसकी आ गई है। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, सबनेट अगर मैंने ऐड कर लिया तो उसके बाद मुझे रेप्लिकेशन जो इसका ग्रुप है वो ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, साथ ही हम एक काम करते हैं, मेरी जो डिफॉल्ट वेबसाइट है इसको अगर मैं रीनेम कर सकता हूँ, ठीक है, रीनेम करते हैं। अगर आप साइट ए बनाना चाहते हैं तो साइट ए बना लें, लेकिन मैं अभी इसको साइट ए इसी चीज़ को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, सॉरी स्पेस बार नहीं लेगा ये, तो मुझे इसके अंदर साइट ए लिखना पड़ेगा। ओके, साइट ए मेरे पास आ गई, साइट बी आ गई, साइट बी में अभी तक मेरे पास कोई सर्वर नहीं है और साइट ए में मेरे पास तीन सर्वर मौजूद है। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसकी जो क्या कहते हैं उसे न्यू साइट लिंक बनाऊंगा, ठीक है। साइट में जाएंगे आप, इसके राइट क्लिक, सॉरी किधर था न्यू साइट लिंक, न्यू साइट, ऑल न्यू साइट, नो नो नो, इधर नहीं था, यस न्यू साइट लिंक, साइट लिंक का आप नाम देंगे साइट ए टू साइट बी, साइट ए टू साइट बी, ठीक है, दोनों सर्वर मैंने ऐड कर दिए हैं कि इस साइट में मेरे ए और बी दोनों साइट्स ऐड होंगे, ठीक है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज लेंगे तो मैं बता चुका हूं कि यहाँ मेरे पास से चेंज स्केड्यूल अगर आप करना चाहते हैं इस रेप्लिकेशन का, तो आप यहाँ से स्पेसिफिक चेंज भी कर सकते हैं कि रेप्लिकेशन इस साइट पे हो या इस साइट पे अवेलेबल ना हो,
मैं उसको 24 आवर करूँगा, और रेप्लिकेशन एवरी जितना मैक्सिमम, ये डिपेंड करता है आपकी कॉन्फ़िगरेशन पे, लेकिन हमारे केस में बिल्कुल लोकल है, तो मैं इसको 1 मिनट रखता हूँ। ठीक है कि हर 1 मिनट में इसको, सॉरी हर 15 मिनट में, सॉरी मिनिमम 15 है, 15 मिनट में मैं इसको रेप्लिकेट करवाऊँ, अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा। अब मेरा अगला जो काम है वो मैंने साइट 2 के सर्वर को मैंने साइट बी में ट्रांसफ़र करना है, तो मैं इसको जाऊँगा, इसको यहाँ से मूव करूँगा और मैं साइट 2 में ले जाऊँगा। अब देखें, साइट ए और साइट बी मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी है। साइट ए में मेरे पास SRV1 है जो कि अब नहीं रहा, तो मैं कन्फ्यूजन दून करने के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, बल्कि इसके लिए तो मुझे पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, बहरहाल इसको रहने दें इधर ही। तो साइट ए में मेरे पास ADC है, ठीक है, इसका फुटप्रिंट है मेरे पास SRV1 का जो मेरा डिलीट हो चुका है। और देखें, यहाँ आपको बता रहा है कि ऑटोमेटिकली जनरेटर SRV1 इन दोनों में से किसी एयर को पकड़ेगा, वो रेप्लिकेट कर देगा। सो SRV1 मेरा ऑफलाइन है, तो इसका मतलब वो ADC को हमेशा पकड़ेगा। और अगर मैं इसमें चले जाऊं, तो ये वो NTDS सेटिंग है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, कि NTDS सेटिंग में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी होती है कि कनेक्शंस कौन से बनेंगे। देखें, बता रहा है कि साइट ए पे जो कनेक्शन अवेलेबल है वो ADC का है, तो इससे रेप्लिकेट करूँ। मैंने कहा रेप्लिकेट, हाँ ADC से तुमने करना है, रेप्लिकेट फ्रॉम ADC से। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, सिक्योरिटी क्या होगी, एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ठीक है, ये आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। अब जबकि हमने साइट्स कॉन्फ़िगर कर दी हैं, इसकी 20 का सबनेट हमने अटैच कर दिया है इसके साथ, तो अब अगला काम है करना है, अगला काम है इसकी रेप्लिकेशन के साथ हमें कॉन्फ़िगर करना है। देखें, दो तरह से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, आप मैनुअल यूज़र बना के देख सकते हैं, वो भी हम कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है कि डिफरेंट कमांड्स के जरिए, मैंने डिफरेंट कमांड्स लिखी हैं, लेट मी ओपन दैट वन फॉर यू। ओके गाइस, जैसे कि हमने रेप्लिकेशन कॉन्फ़िगर कर ली है इसकी, तो अब इसको वर्क करना चाहिए। अब जब दूसरा मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके बाद कुछ कमांड्स आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं, मैंने भी एक दो कमांड्स देखी हैं रेप्लिकेशन कंफर्म करने के लिए। तो एक आपके पास रेप एडमिन KCC की कमांड है, वो आप चलाएंगे तो वो कहता है कि अगेंस्ट फुल DC लोकल हो, साइट ए ओके है सब कुछ, ठीक है। अगर आप ब्रिज हेड सर्वर देखना चाहें कि कौन सा सर्वर किससे रेप्लिकेट करेगा, ठीक है, तो आप इसको, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, तो ये आपको वो भी इन्फॉर्मेशन आपकी दिखा देगा कि साइट ए के अगेंस्ट ये ADC.mylab.local को लेके आया है, ठीक है। साइट ए जो हमने, जो हमारी डिफॉल्ट वेबसाइट है, साइट 2 के अगेंस्ट वो कह रहा है ADC IP नेवर द ऑपरेशन कम्प्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है गाइस। तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन। और आप अच्छा, एक और मैंने क्या किया, मैंने 20 का सबनेट, 10 का सबनेट अभी ऐड करके मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है अपनी साइट ए के साथ। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखा सकूंगा, जिस तरह हमने वो ऐड किया था उसी तरह मैंने इसको भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो साइट एंड सर्विसेज के हवाले से लैब है, कि आप किस तरह डिफरेंट सर्वर्स को डिफरेंट साइट्स में ऐड करके उनके साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं और उनकी रेप्लिकेशन कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप साइट्स एंड कॉन्फ़िगर करके उसके बाद जो कमांड्स हैं वो चला लें, और उसके बाद आप एक एक दो यूज़र्स बनाएं और वेट करें 15-20 मिनट, जितना आपका स्केड्यूल है 1 घंटा, जो भी आपने स्केड्यूल रखा हुआ है उस हिसाब से देखेंगे दूसरे डोमेन कंट्रोलर पर वो आपकी चीज़ रेप्लिकेट होती है या नहीं होती। तो गाइज, ये तो था आपका आज का लेक्चर AD साइट एंड सर्विसेज के बारे में। आने वाला जो लेक्चर होगा वो हम करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट के हवाले से, फिर उसमें देखेंगे डोमेन एंड ट्रस्ट कैसे बनाया जाता है। और हम डिफरेंट दो डोमेन्स बनाएंगे, mylab.local है और एक हम बना लेंगे lahore.mylab.local, और फिर उन दोनों के दरमियान एक जो ट्रस्ट है वो क्रिएट करेंगे, और उसमें भी फिर हम रेप्लीकेशन को दोबारा कंसिडर करेंगे और रेप्लीकेशन की दोबारा हम लैब उसके अंदर भी रिपीट करेंगे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।